कोविड-19 कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडल आयुक्त जयनालिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रविवार को स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित कोविड-19 L1 समकक्ष चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा कोविड-19 L1 समकक्ष चिकित्सालय को तत्काल आरम्भ करने का CMO को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित कोविड-19 L1 समकक्ष चिकित्सालय में 250 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और भी स्थानों पर कोविड संक्रमण से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए L1 समकक्ष चिकित्सालयों की व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों के कारण मरीजों के परिजनों से वार्ता करके मरीजों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दें। मंडलायुक्त ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मंडलायुक्त जैन नालिकर ने कहा, तभी हम उसे पकड़ा देंगे भाई अपने घर वाले से। देखिए, आप एम्बुलेंस भेजने के पहले उनको फोन करके अलग कर देंगे, पिक करने के लिए बताएं। देखो भाई, शाम को 6 बजे आपका गाड़ी आएगा, ये चीज है, आप जो जरूरत है बच्चों को करने के, एक आदमी की ड्यूटी लगाइए कि भाई ये उसको व्हाट्सएप करके भेज दीजिए ना, ये है आपका, ये इसको नहीं पता ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्टैंडर्डिस होता है, जो भी आता था उसको बता देगा, SOP हो जाता है। देखिए, गोरखपुर जनपद के लिए एक नई कोविड फैसिलिटी भी तैयार हो गई है, ये स्पोर्ट हॉस्टल की, जिस संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी को हम एक अच्छा स्थान दें। हालांकि हमारे यहाँ अभी भी रेलवे फैसिलिटी में स्थान है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड हो, तो प्रयास ये कर रहे हैं कि ये भी फैसिलिटी हम शुरू करें जिससे कि यहाँ पर भी हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें। 150 बेड ऑलरेडी रेडी हैं, अपने अंदर शायद ना जा पाए हों, 150 रेडी हैं और यहाँ पर 100 बेड और हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा परिवेश है, इसलिए ये हम 150 + 100, 250 यहाँ पर लोगों को रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कंजेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी तैयारी यहाँ पर भी 250 बेड की। इस समय मंडल में आपके लगभग जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें करीब 500 से ज़्यादा केसेस हैं, और हम इन सारों को फैसिलिटी में ला रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि उन सभी को हम ट्रीट करके जल्दी से जल्दी घर ले जाएंगे। अब हमने जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको डबल कर दिया है, लगभग 1400 से 1600 हम टेस्ट डेली अप कर रहे हैं सिर्फ BRD लैब में। ठीक।